व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हमने ग्रीक फिलोसफर्स में से ज़ीनोफेंस को कवर करना है, लेकिन ज़ीनोफेंस को कवर करने से पहले एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। जितने फिलोसफर्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है इसमें रीकैप लिखा हुआ है। हमने थेलेस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमिनीज और पाइथागोरियन स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस किया। जब हमने इन फिलोसफर्स को, इन स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया, तो हमने देखा कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन अभी जब हम ज़ीनोफेंस की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से चेंज हो रहा है रिलीजन की तरफ। देखें, ज़ीनोफेंस पहला फिलोसफर है जिसको कहा जाता है कि इसने फिलोसफी और रिलीजन के दरमियान में एक टसल स्टार्ट की, ओरिजिनेटर ऑफ क्वारल बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन। उस टाइम जो ग्रीक रिलीजन जो था, उसके जो कंसेप्ट था गॉड का, उस टाइम लोग गॉड्स को किस तरह अंडरस्टैंड करते थे, ज़ीनोफेंस ने उसको डायरेक्टली जाके टारगेट किया, कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात की। प्लस ओरिजिन ऑफ अर्थ, सन एंड स्टार्स, इसके ऊपर भी ज़ीनोफेंस ने बात की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक प्रॉपर आउटलाइन होती है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ज़ीनोफेंस को हमारा जो रोड मैप होगा इस तरह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात होगी कंसेप्ट ऑफ गॉड इन ग्रीक रिलीजन, कि ग्रीक रिलीजन में कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या था, उस टाइम यूनान के लोग गॉड को किस तरह अंडरस्टैंड करते थे, हम ये चीज पहले डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे हमें ज़ीनोफेंस की फिलॉसफी समझने में ईजी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आउटलाइन का, ज़ीनोफेंस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गॉड पोजेसिंग ह्यूमन फॉर्म, और दूसरे नंबर पे प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स। उस टाइम यूनान के लोग गॉड को ह्यूमंस की तरह अंडरस्टैंड करते थे, कि जिस तरह हम इंसान हैं गॉड भी इसी तरह इंसानों की तरह शेप रखता है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और दूसरा प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स पे वो बिलीफ रखते थे, और ज़ीनोफेंस इन दोनों पॉइंट्स के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देता है। जब ज़ीनोफेंस इन पॉइंट्स के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, तो फिर ज़ीनोफेंस का अपना कंसेप्ट क्या है गॉड का, वो हम डिस्कस करेंगे। देखें तीसरा पॉइंट, ज़ीनोफेंस कंसेप्ट ऑफ गॉड। फिर चौथे नंबर पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, क्या करेक्टरिस्टिक्स ज़ीनोफेंस प्रोवाइड करता है कि गॉड की होती हैं। फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, और लास्ट पे ओरिजिन ऑफ सन एंड स्टार्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ये आउटलाइन है। सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम आते हैं अपने, ये देखिए मिड में जो लिखा हुआ है पहला पॉइंट। अब आपकी कंसंट्रेशन ना तो आउटलाइन की तरफ होनी चाहिए ना रीकैप की तरफ, दरमियान में बिल्कुल। कंसेप्ट ऑफ गॉड इन ग्रीक रिलीजन, ग्रीक रिलीजन के अंदर गॉड्स और गॉडेसेस दोनों पाए जाते हैं, यानी मेल गॉड्स भी थे और फीमेल गॉड्स भी थी। इनकी तादाद क्या होगी, वो 70+ है, बहुत ज्यादा गॉड्स हैं और गॉडेसेस हैं। लेकिन उनमें से 13 मेजर डिटीज हैं। डिटीज फिलोसफिकल टर्म है, गॉड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है डिटीज, ठीक है, और इसका सिंगुलर होगा डीटी, DEITY। तो 13 मेजर डिटीज हैं। अब वो लोग गॉड को अंडरस्टैंड किस तरह करते थे ग्रीक रिलीजन में, उस टाइम ये समझा जाता था कि गॉड बिल्कुल ह्यूमंस की तरह हैं। ठीक हो गया, किस सेंस में, गॉड पोजेसेस ह्यूमन फॉर्म, किस तरह, बॉडी में, मूवमेंट में, मैरिज में, ग्रोथ में, कि गॉड की एक सर्टन बॉडी होगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, प्लीज नहीं भाई जरा दिखाएं, मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की हुई है, मैं इन्हें दिखा दूं आप लोगों को, ये नजर आ रही होगी ये एक पिक्चर, ठीक है, देखें क्लियर है, विजिबल है। हाँ, ये है पहली पिक्चर, गॉड ऑफ थंडर ज़ियोस की, ठीक। अब आगे आए, ये है पोजिडन, ये है गॉड ऑफ सी, ठीक हो गया, ये देखें नजर आ रही है आप लोगों को। अब आगे आए, ये फैमिली है गॉड्स की, मुख्तलिफ गॉड्स हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ गॉड्स हैं, ठीक, बल्कि मैं इसको रोटेट करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखें मुख्तलिफ गॉड्स हैं, सही नजर आ रही है आप लोगों को। अब इसमें देखें कि मुख्तलिफ गॉड्स जो हैं वो सारे ह्यूमन की तरह हैं, ह्यूमन की तरह उनकी बॉडी है, हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं, ठीक। अब आगे आए, ये देखें, ये एक गॉडेस है जो सबसे पहली गाया इसको कहा जाता है, हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसको मदर अर्थ कहा जाता है, जहां से ये गॉड्स का सिलसिला शुरू होता है,
नजर आ गया आप लोगों को, करेक्ट है? ठीक है, तो आपने इन सब में देखा कि इन सब में क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज नजर आ रही हैं बॉडी के हवाले से। हम मजीद क्वालिटीज भी पढ़ेंगे जो इनमें कॉमन हैं। ये देखें फिर से, गॉड ऑफ थंडर जियोस, ठीक हो गया जी? ये ले लेना भाई, थैंक यू। आ जाएं जी, शुरू करते हैं। गॉड पोजेसेस ह्यूमन फॉर्म, पहला पॉइंट बॉडी। जिस तरह एक इंसान की बॉडी है, उसकी टांगे हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, तो मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया कि ग्रीक रिलीजन में भी अंडरस्टैंडिंग गॉड की यही थी कि उसकी एक प्रॉपर इंसानों की तरह बॉडी होगी, हैंड्स और टांगे, आंखें वगैरह, ठीक। दूसरी बात मूवमेंट, कि जिस तरह इंसान मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इस तरह ग्रीक गॉड्स भी मूव करते होंगे, उनकी भी मूवमेंट होती है, ठीक। तीसरा मैरिज, अब इंसान मैरिज करते हैं तो नस्ल बढ़ती है, तो ग्रीक जो यूनान के लोग थे उनका भी यही कंसेप्ट था ग्रीक गॉड्स के बारे में, जो उस टाइम के गॉड्स थे, कि वो आपस में मैरिजेस करते हैं, फिर जब उनके बच्चे होते हैं वो भी गॉड्स होते हैं, ठीक। ग्रोथ का कंसेप्ट था कि जब गॉड्स आपस में, गॉड और गॉडेसेस आपस में जब मैरिज करती हैं तो उनसे जब बच्चे निकलते हैं, जाहिर है वो बच्चे पहले छोटे होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ वो बड़े होते जाते हैं, बिल्कुल जैसे इंसानों का प्रोसीजर है ग्रोथ का, इस तरह उन वहां पे गॉड्स का भी यही प्रोसीजर था ग्रोथ का, ठीक हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि गॉड पोजेसेस ह्यूमन फॉर्म, उस टाइम जो यूनान के लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी। आगे आए प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स, मैंने आपको बताया कि शादी होती है, बच्चे होते हैं, और 70 प्लस कंसेप्ट है उनका गॉड का, कि 70 से ज्यादा गॉड्स हैं जिन पे वो बिलीव रखते हैं, और हर गॉड को उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक ड्यूटी उसके थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये गॉड ऑफ अर्थ है, ये गॉड ऑफ सी है, ये गॉड ऑफ स्काई है, तो इस तरह, ठीक हो गया। प्लुरलिटी हमें नजर आती है, बहुत सारे गॉड्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट इसका मजीद आप लोगों को समझाता हूं। यूनान के लोग कहते हैं जब पहली दफा गॉड्स का आगाज कैसे हुआ, जब पहली दफा केओस था दुनिया में, कुछ भी नहीं था, केओस था, ना दुनिया थी ना कुछ था, बिल्कुल केओस था, उसको टर्म यूज किया जाता है केओस। फिर सडन एक लाइट आई, ठीक हो गया, लाइट आई तो वहां से गाया गॉड जो है मदर अर्थ है उसकी वहां से गाया मदर अर्थ का स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। फिर गाया मदर अर्थ ने बर्थ दी यूरेनस को, यूरेनस काय, ठीक। तो गाया क्या, जो सन है वो यूरेनस है, ठीक। फिर ये गाया और यूरेनस की शादी हुई, शादी कह लें या उनके दरमियान में इंटरकोर्स कह लें, इंटरकोर्स हुआ, तो उससे क्या हुआ, टाइटन्स बने। टाइटन्स मुख्तलिफ गॉड्स को कहा जाता है ग्रीक में, यूनान में। उनमें से मैंने सिर्फ एक को लिखा है जियस, मुख्तलिफ गॉड्स थे लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ एक को लिखा है जियस, जो गॉड ऑफ स्काई, जिसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, ठीक। फिर जियस की बहुत से बच्चे थे, बहुत चिल्ड्रन थे, और सारे गॉड्स थे, लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ तीन को मेंशन किया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों की। पहला देखें एरेस, गॉड ऑफ ब्लडशेड एंड वॉर। सेकंड एपोलो, गॉड ऑफ म्यूजिक आर्ट नॉलेज। थर्ड नंबर पे आता है एफ्रोडाइट, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। अब समझ आई, जियस के बहुत से चिल्ड्रन थे लेकिन मैंने सिर्फ तीन मेंशन किए हैं। तो गाया और यूरेनस, गाया का रिलेशन यूरेनस के साथ इनिशियल स्टेजेस पे मदर एंड सन का है, लेकिन बाद में इनके इंटरकोर्स से बहुत से टाइटन्स, बहुत से गॉड्स बने, जिनमें मैंने सिर्फ एक लिखा है जियस, जो गॉड ऑफ स्काई है, ठीक। अब आगे आए, ग्रीक रिलीजन का एक और मानना था कि जितने भी गॉड्स हैं, जितनी भी डिटीज हैं, उनके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं, नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं। पॉजिटिव ट्रेट्स तो ये देखें, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी एक पॉजिटिव ट्रेट है गॉड की, गॉड ऑफ म्यूजिक आर्ट नॉलेज एक मजीद पॉजिटिव ट्रेट है, लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स किस तरह हैं, इधर आए जरा ये देखें, एरिस गॉडेस ऑफ कंफ्लिक्ट, अब कंफ्लिक्ट एक नेगेटिव ट्रेट है तो ये गॉडेस ऑफ कंफ्लिक्ट थी एरिस। ओइसिस गॉडेस ऑफ मिजरी एंड डिप्रेशन, कहते हैं कि लोगों के अंदर अगर मिजरी है, डिप्रेशन है, तो किस वजह से है, इस गॉडेस की वजह से है, ओइसिस की वजह से। फिर आता है अगले नंबर एपेट, गॉडेस ऑफ क्रुएलिटी। तो अब आप यहां पे देखें कि हमने जो ग्रीक रिलीजन को कितना अंडरस्टैंड किया, उसका कंसेप्ट ऑफ गॉड को कितना अंडरस्टैंड किया,
अब जीनोफेंस इसको क्रिटिसाइज करता है। हमने ये देखा कि ग्रीक्स ये मानते हैं कि बहुत सारे गॉड्स हैं और हर गॉड अपनी एक पर स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, इट मींस प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स है। फिर गॉड पोजेसेस ह्यूमन फॉर्म, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग गॉड के बारे में ये थी कि वो ह्यूमन की तरह ही दिखते होंगे, बॉडी होगी, मूवमेंट होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, मैरिज का कंसेप्ट होगा, गॉड्स की और गॉडेसेस की मैरिज होती होंगी और उसके बाद बच्चे हैं जो कि गॉड्स ही हैं, ठीक। फिर ग्रोथ का कंसेप्ट होता होगा, बच्चा फिर बड़ा हो गया फिर इस तरह, ठीक। और मजीद ये हमने पढ़ा कि गॉड्स के पॉजिटिव ट्रेड्स भी हैं और गॉड्स के नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स देखें, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, गॉड ऑफ म्यूजिक आर्ट नॉलेज। नेगेटिव ट्रेड्स, एरिस, ओइसिस, एपेट, कंफ्लिक्ट, मिजरी, डिप्रेशन, क्रुएलिटी। यहां तक बात समझ आई? अब जीनोफेंस की सारी फिलॉसफी इसको क्रिटिसाइज करेगी, वो हम देखते हैं। आइए इसको जरा नोट कर लें, ये जरूरी है, इसको जरूर नोट करें अपने पास जी। तो आज एन कंसेप्ट ऑफ गॉड इन ग्रीक रिलीजन में को हमने डिस्कस कर लिया, ये देखें इसको मैंने टिक मार्क कर दिया। अब जीनोफेंस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गॉड पोजेसिंग ह्यूमन फॉर्म और प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। मेरे साथ रहें, अटेंटिव रहेंगे तो समझ आ जाएगी बड़ी इजी से। जीनोफेंस ने इन दोनों पॉइंट्स के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिए कि गॉड जो है वो ह्यूमन फॉर्म पोजेस करता है और दूसरा प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स, इन दोनों के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए। जीनोफेंस कहते हैं इट इज एब्सर्ड टू सपोज गॉड्स वंडर अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जीनोफेंस कहते हैं यार ये तो बड़ी हैरत की बात है और ये सपोज करना भी एक तरह अहमकाना बात है कि गॉड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता होगा। जाहिर बात है अगर ह्यूमन फॉर्म की तरह उसको कंसीव कर रहे हैं यूनान के लोग तो ये बात तो बीच में आती थी कि वो मूव करते हैं, मैंने आपको पिछली उसमें बताई स्लाइड में। तो जीनोफेंस कहता है गॉड्स वंडर अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको सपोज करना बिल्कुल एक अहमकाना बात है, एब्सर्ड बात है। पहली बात, गॉड्स हैड अ बिगिनिंग, ये बात भी वो कहता है कि यार अगर किसी को हम गॉड कह रहे हैं या हम उसे गॉड मान रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी कोई एक प्रॉपर बिगिनिंग है। जैसे कि हमने देखा कि ग्रीक रिलीजन में ये बात थी कि गॉड्स आपस में मैरिज करते हैं और उस मैरिज के रिजल्ट में बच्चे निकलते हैं जो कि वो बच्चे भी फिर गॉड्स होते हैं, तो वो बिगिनिंग नजर आती है कि पेरेंट्स हैं गॉड्स के। तो जीनोफेंस कहता है कि ये भी एब्सर्ड है इसको कहना कि गॉड्स हैड अ बिगिनिंग। तीसरी बात देखें, इट इज डिसग्रेसफुल टू इंप्यूट टू देम नेगेटिव ट्रेड्स। वो कहते हैं अगर कोई गॉड जिसको आप गॉड मान रहे हो उसके साथ आप नेगेटिव ट्रेड्स कैसे अटैच कर सकते हो। जैसे हमने गॉडेस ऑफ कंफ्लिक्ट पढ़ा, गॉडेस ऑफ मिजरी पढ़ा, गॉडेस ऑफ डिप्रेशन था, गॉडेस ऑफ क्रुएलिटी था, तो वो कहते हैं कैसे आप नेगेटिव ट्रेड्स किसी गॉड के साथ अटैच कर सकते हो। तो जीनोफेंस ने इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना गॉड पोजेसिंग ह्यूमन फॉर्म। अब आगे आए प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स की तरफ। जीनोफेंस कहता है ओनली वन इज बेस्ट, गॉड तो वो होगा जिसको हम मानते होंगे वो एक होगा और वही बेस्ट होगा। दैट विच इज डिवाइन कैन ओनली बी वन, और जिसको हम डिवाइन मान रहे हैं, डिवाइन है तो वो सिर्फ कोई एक हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकते। तो प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स के अगेंस्ट भी ये था और गॉड पोजेसिंग ह्यूमन फॉर्म इसके भी अगेंस्ट था जीनोफेंस। जब ये इन दोनों पॉइंट्स को जीनोफेंस नहीं मान रहा तो उसने उसके बाद अपना कंसेप्ट दिया जीनोफेंस का कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो कि अभी इसको इरेज करके मैं लिख देता हूं। अटेंटिव रहे, मैं बार बार कह रहा हूं अटेंटिव रहे जी। तो आ जाएं देखते हैं जीनोफेंस का कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड क्या है। कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों लिखी हुई हैं, ये मैंने टिक मार्क कर दिया क्योंकि इनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जीनोफेंस का कंसेप्ट ऑफ गॉड देखें, जीनोफेंस कहता था गॉड इज कंपेरेबल टू मोर्टल्स नीदर बॉडीली फॉर्म नॉर अंडरस्टैंडिंग, के हम गॉड को ह्यूमंस के साथ ना तो बॉडी में कंपेयर कर सकते हैं। उसने वर्ड भी मोर्टल्स यूज किया, मोर्टल्स वो जो फानी हो, जो खत्म हो जाए,
तो कहता था गॉड इमोर्टल है, कैसे उसको आप मोर्टल कह सकते हो, मोर्टल बींग्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। गॉड इज कंपेरेबल टू mortals नीदर इन bodily फॉर्म, बॉडी की सूरत में भी हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, नॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया। फिर वो कहता है Xenophanes, गॉड इज ऑल आई ऑल ear ऑल थॉट, ऑल आई है सब कुछ देख रहा है, ऑल ear है सब कुछ सोच रहा है, ऑल थॉट है यानी जितने इंसान है इनकी आंखें फिर भी लिमिटेड हैं, जितने सुन सकते हैं कान इंसानों के फिर भी लिमिटेड हैं, और हर इंसान की थॉट भी तो लिमिटेड है, लेकिन गॉड क्या है, वो ऑल आई है ऑल एयर है ऑल थॉट है, तो आप कैसे उसको इंसान के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक। गॉड इज वन हु विदाउट ट्रबल गवर्न्स ऑल थिंग्स बाय हिज थॉट। गॉड एक है जो कि बगैर किसी परेशानी के ट्रबल के दुनिया की हर चीज को अपनी थॉट के थ्रू गवर्न कर सकता है। अब यहां पे देखें थोड़ा सा ट्रिक आ गया। देखें Xenophanes आइडेंटिफाइड गॉड विद वर्ल्ड। Xenophanes कहता था वर्ल्ड इज गॉड, ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं यही गॉड है, और ये कंसेप्ट पैंथिज्म का है। पैंथिज्म ये मानता है कि यूनिवर्स जितनी भी है वो सारा क्या है, गॉड है। ठीक हो गया। तो Xenophanes का जो कंसेप्ट है वो गॉड को किस तरह देख रहा है, वो कहता है कि वर्ल्ड इज गॉड, ये जो वर्ल्ड है यही गॉड है, पैंथिज्म का कंसेप्ट। ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड वो क्या दे रहा है, Xenophanes कहता है गॉड इज अनचेंजेबल। अब आप जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे कि अगर वो दुनिया को खुदा मान रहा है तो फिर दुनिया के अंदर तो चेंज भी आ रहा है, दुनिया के अंदर तो डिस्टरबेंस भी है, दुनिया के अंदर तो और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है Xenophanes ये तो कंट्राडिक्ट कर रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की। आई एग्री बिल्कुल इस तरह है, लेकिन एक फिलोसोफर ने उस टाइम पे उन रिलीजन्स को क्रिटिसाइज किया, उस रिलीजन को कि जहां पे माइथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती थी, जहां पे माइथोलॉजिकल गॉड्स होते थे। ठीक हो गया। तो इसकी अब आप देखें कि वो क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। गॉड इज अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, अनडिवाइडेड, अनमूव्ड, पैशनलेस, अनडिस्टर्ब्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गॉड की, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स Xenophanes को वर्ल्ड के अंदर नजर आती है, इसलिए वो कहता है वर्ल्ड इज गॉड। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट रह गए, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ सन एंड स्टार्स। अटेंटिव रहें, अटेंटिव रहें जी। तो आ जाएं ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ सन एंड स्टार्स, ये देखें टिक मार्क हो गए, अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ देखें, Xenophanes ऑब्जर्व फॉसिल्स फाउंड शेल्स इन लैंड फॉर्म्स ऑफ फिश सीवीड इम्बेडेड इन रॉक्स। जब Xenophanes ने फॉसिल्स को ऑब्जर्व किया, हड्डियां हो गई, प्लांट्स के फॉसिल्स हो गए, उनको जब ऑब्जर्व किया, जब उसने शेल्स को उसे मिले कहां पे, इनलैंड, वो इलाके जो समंदर से दूर हो उन्हें इनलैंड कहा जाता है, वहां पे जब उसे सी के जो शेल्स होते हैं जो सी के अंदर पाए जाते हैं वो उसे खुश्क जमीन के ऊपर मिले, फॉर्म्स ऑफ फिश, जब उसने फिश की डिफरेंट फॉर्म को ऑब्जर्व किया, सी वीड एम्बेडेड इन रॉक्स, सी वीड कहते हैं जो पानी के अंदर पौधे उगते हैं, तो जब उन्होंने Xenophanes ने ये सब चीजें ऑब्जर्व की कि जो पौधे हैं वो क्या है, रॉक्स के अंदर एम्बेडेड है, एम्बेडेड इस तरह होते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ठीक। तो इनको ऑब्जर्व करके उसने कंक्लूड किया कि अर्थ हैड राइजन आउट ऑफ सी एंड वुड अगेन sunk into it, के अर्थ क्या है, ये समंदर से निकली है और फिर जब फना होगी तो वापस समंदर के अंदर ही चली जाएगी। जब अर्थ पूरी समंदर के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी, तो क्या होगा, देन ह्यूमन रेस वुड बी डिस्ट्रॉयड टू, के तब ह्यूमन रेस भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जमीन चली गई समंदर के अंदर तो ह्यूमन रेस भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, न्यू अर्थ एंड न्यू ह्यूमन रेस, न्यू अर्थ दोबारा समंदर से बनेगी, दोबारा से न्यू अर्थ का आगाज होगा समंदर से,
और जब न्यू अर्थ बन जाएगी तो दोबारा से एक नई ह्यूमन रेस बनेगी। ठीक हो गया, समझ आ गई ओरिजिन ऑफ अर्थ की। अब आए ओरिजिन ऑफ सन एंड स्टार्स। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि एनेक्सिमेंडर कहता था कि व्हील शेप्ड हस्क्स हैं जो के जाते हैं आसमान के अंदर और उनके अंदर वो होते हैं, ये वेपर्स हैं। ठीक, तो ज़ीनोफेंस भी यही कहता है कि सन स्टार्स दीज आर द बर्निंग मासेस ऑफ वेपर्स, जो के समंदर से भाप उठ रही है ये उसी से बने हुए हैं, सन भी स्टार्स भी। ठीक, सन के बारे में क्या कंसेप्ट है ज़ीनोफेंस का, जरा देखें, डज नॉट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, कि सन अर्थ के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता, गोज इन स्ट्रेट लाइन एंड डिसअपीयर्स इन रिमोट डिस्टेंस इन द इवनिंग। शाम होती है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, जब दूर चला जाता है तो डिसअपीयर हो जाता है शाम के टाइम। एवरी डे अ न्यू सन इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वेपर्स, और हर दिन एक नया सूरज बनता है वेपर्स से, जो सी के वेपर्स हैं। ठीक, ये फिलॉसफी देने का मकसद क्या था सन के बारे में और स्टार्स के बारे में, क्योंकि उस टाइम यूनान के लोग सन और स्टार्स को भी देवता मानते थे। तो इस फिलॉसफी से उसने ये बात बताने की कोशिश की कि सन एंड स्टार्स आर नॉट डिवाइन बीइंग्स, कि ये देवता नहीं है। ठीक हो गया, अब इस कंसेप्ट को जरा सा देखें, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं कि जो हमारा कंसेप्ट है, ये देखें, हमारा कंसेप्ट है कि सन सेंटर में है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक हो गया, पिछले जो हमने फिलोसफर्स पढ़े थे, एनेक्सिमेंडर एनेक्सिमिनीज, वो कहते थे कि अर्थ सेंटर में है, सन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, ज़ीनोफेंस क्या कहता है, जरा इसको गौर करें। ज़ीनोफेंस ये कहता है कि सन रिवॉल्व नहीं कर रहा बल्कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये देखिए सन, ये सन हो गया, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इस तरह। ठीक, जब दूर ये चला जाता है, इसकी रोशनी मध्यम हो जाती है, मींस शाम हो गई, तो दूर जाके ये डिसअपीयर हो जाता है। अगले दिन फिर सी से, ये सी है, ये देखें ये सी है, अगले दिन फिर सी से एक नया सूरज बनता है जो कि फिर से स्ट्रेट लाइन में जाता है और आगे जाके क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो ये ज़ीनोफेंस की टोटल फिलॉसफी थी। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी है लेकिन फिलॉसफी की समझ आनी चाहिए, वीडियो का मसला नहीं है, लंबी हो लेकिन फिलॉसफी समझ आनी चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अल्लाह हाफिज़।